प्रामाणिकता, शुद्धता और पारदर्शकता के प्रतीक रतन लाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इन दिनों सारे भारतवर्ष में कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई राष्ट्रवादी में जा रहा है, कोई समाजवादी पार्टी में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, ज़्यादातर लोग बीजेपी में जा रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आने वाला है 2 साल के बाद, यानी 2024 में विधानसभा का। इससे पहले मुंबई में अभी महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं और कई जगहों पर होंगे, इसमें भी उथल फुथल तो होगी ही। राष्ट्रवादी के लोग शिवसेना ज्वाइन करेंगे, शिवसेना के लोग राष्ट्रवादी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे। ऐसे जब चर्चाएं हो रही थी तो एक चर्चा जो सामने आई जलगांव से, वो चाहता हूं मैं, ये गॉसिप ही है लेकिन आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा। गॉसिप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक इसमें सत्यता कुछ भी जांच नहीं पाया हूं, सिर्फ एक बात जो है जो सुना हूं वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दरअसल ऐसा पता चला है कि जलगांव से शिवसेना के 2-4 जो बड़े नेता हैं वो लोग जलगांव में विधानसभा के लिए जलगांव शहर से इच्छुक है। अगर शिवसेना जलगांव शहर से इच्छुक रही तो भाजपा कहीं ना कहीं स्टैंड लेगी कुछ सही, अच्छा, बड़ा। और इस दौरान ये पता चल रहा है कि जलगांव के जो विधायक जी हैं राजू मामा भोले, उनको जलगांव से सीट नहीं देने की बात चल रही है कि उनको जलगांव में नहीं सीट दी जाएगी, उनको रावेर में सीट देने की बात हो रही है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो रावेर से लड़ना पड़ेगा। इस बातों को जब चर्चाएं हो रही थी तो मैंने रावेर में भी कुछ लोग थे तो उनसे भी बातचीत की, तो रावेर वालों ने कहा तो ये कहना रहा कि भाई जो हालत जलगांव की हो चुकी है वैसी हालत हम रावेर की नहीं करना चाहते, तो हमको राजू मामा भोले जो है वो इधर नहीं चाहिए, वो इधर से चुनाव लड़े नहीं लड़े तो ही अच्छा है। दूसरा कयास ये लगाया जा रहा था कि शायद राजू मामा भोले जो हैं वो राष्ट्रवादी ज्वाइन कर लेंगे और राष्ट्रवादी ज्वाइन करने के बाद राष्ट्रवादी की ओर से यहाँ पर जलगांव शहर में चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे या नहीं ये तो आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा तभी पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि कई सारे जो लोग हैं शिवसेना के वो एकनाथ राव खड़से के संपर्क में हैं और एकनाथ राव खड़से राष्ट्रवादी में जा चुके हैं, तो बहुत सारे लोग राष्ट्रवादी में भी समय पर जा सकते हैं। जब चुनाव होगा तो ऐसी दल बदल होगी ही, और चुनाव जब होगा दल बदल होगी तभी पता चल पाएगा कि कौन सा पक्ष जो है वो कितना मजबूत है। जय हिंद।